मॉनसून रिच वर्सेस नॉर्मल फैमिली मैं लेके ही आ गई हूँ। हम इस वीडियो में इतनी फेंकेंगे कि आप देख ही लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अब चलो वीडियो एंजॉय करते हैं। बटलर घर के सारे एसी ऑन कर दो, अभी मेरे को थोड़ी से भी पसीना आया ना तो तुम सब फायर हो जाओगे। यस मैम। बटलर मैम आपकी पेंटिंग आ गई है। अच्छा, इसलिए मेरे को यहाँ पे बुलाया था। यस मैम, दिस इज योर पेंटिंग। आह, सच ए लवली पेंटिंग। हमारी ये नई मेड का नाम क्या है? सूजी मैम। अच्छा सूजी, और ये छोटा बच्चा कौन आ गया? मम्मी आपका भाई है। प्रियान, व्हाट आर यू डूइंग? अब हम छोटे घर में नहीं रहते हैं। हैव सम क्लास प्रियान, नहीं तो ग्लास फेंक के मारूंगी। सूजी प्लीज, मेरी इस एमएफ हुसैन की एक्सपेंसिव पेंटिंग को कुछ करना मत। एंड बटलर, आज मेरे क्या क्या टू डू लिस्ट में जो मेरे को करना है? मैम, सोसाइटी के रास्ते में काफी अड़चने आ रही है, मौसम की वजह से सारे गड्ढे गड्ढे भर गए हैं। तो हमारे डेलीगेशन आया है सोसाइटी का, तो वो सब चाहते हैं कि मेंटेनेंस से ये सब ठीक हो जाए। किसी से कुछ भी चीज, कुछ भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब मेंटेनेंस का खर्चा और ऐसे छोटे मोटे खर्चे मैं उठा लूंगी। और रोड ही बनानी है ना, तो इस बार सुन लो, ऐसी वैसी रोड नहीं बनेगी, प्लास्टिक की रोड बनेगी। ये प्रॉब्लम कभी आए ना। और अगर ये पैसे कम पड़े तो फार्म हाउस में हमारा एक ट्रक पड़ा है फुल ऑफ टमाटर, उसे बेच देना। एनीथिंग एल्स मैम? नो, गो नाउ। अरे खिड़की बंद करो, पानी आ रहा है सारा। नहीं, बाहर तो नहीं आ सकती, बारिश हो रही है यार अभी। कैसी बातें कर रहा है यार, साथ में चलेंगे ना, एक ही कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, अलग अलग थोड़ा जाएंगे। हाँ कुछ नहीं यार, हाँ मैं बोल रही थी एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा दे। देखो ना दीदी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है और आप क्या बिना कंप्यूटर में मुंह डाल के बैठी हुई हो। चलो ना बारिश में भीगने चलते हैं। आई थिंक इंद्रदीप ने जियो की सिम ले लिया है, हर दिन 1 GB बारिश कर रहे हैं 5G की स्पीड में। दीदी सुनो, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है और ये लैपटॉप में दिखती है। जब से कॉलेज में आ गई हो तो बहुत माव खा रही हो। अरे खिड़की बंद करो, सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। अनन्या खिड़की बंद कर। मम्मा पोता ग्वांडी खाओगे? लेट मी कॉन्सेंट्रेट। वो मैंने सुना है करण भैया भी आपकी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। दीदी मैं मजाक करी थी, आप तो बहुत भयंकर वाले होने लगी। कि स्कूल का प्यार आगे तक तोड़ना चलता है। एक मिनट, ब्रेकअप करण? अरे पैचअप का हुआ है मेरा। तो फिर आप इतना रो क्यों रही हो उसके लिए? देखो पूरी नोटबुक भिगा दिया आपने। मेरी नोटबुक की पानी कहाँ से आया? तो फिर ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है? अबे मॉनसून का साइड इफेक्ट हमारे घर पे पड़ रहा है, देख छत लीक कर रहा है। अरे बाप रे, लीक कर रहा है। प्रियान चलो तुम लोग जल्दी अंदर जाओ, तुम लोगों को सर्दी लग गई तो मॉनसून में बताया ना, जल्दी जाओ। ओके। और मैं पूरी गीली हो गई हूँ, मेरे को ना ठंड लग जाए।
हाँ दीदी, आपके ऊपर तो पूरी दो बूंद गिर गई है। जल्दी कीजिए, अगर जुकाम हो गया तो यूक्रेन से डॉक्टर मंगवाना पड़ेगा आपके लिए। हाँ जल्दी मेरे सेंसर रेडी करो, मैं उसमें ही चेंज कर लूंगी। Now I feel refreshing and dry. प्रियान वॉक प्रॉपरली, क्या सिखाया था मैंने? वॉक प्रॉपरली। और प्रियान मैं एक दिन में 3 बार आउटफिट्स चेंज कर चुकी हूँ और तुम्हारा वो ही चल रहा है। इतनी अच्छी कुछ भी तो आ गई थी। यू चुपचाप इसमें बैठ जाओ। बटलर प्लीज ब्रेकफास्ट दे दो। आप अपना देख लो, मैं तो हेल्दी खा रही हूँ। टोमेटो सलाद आपके लिए। टमाटर जो है महंगे है ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम भी बहुत महंगे हैं। हमारे पूरी फैक्ट्री में हजारों हजारों घर रखे हैं। और बटलर आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, मैंने किचन में मेन्यू रख दिया है, उन सब चीजों में टमाटर होना चाहिए। ओके गॉट इट? यस सर। बटलर आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा लेके आओ। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली सी गिरावट, 208.48 मीटर पहुंचा जलस्तर। बाढ़ के पानी के कारण कई रास्ते यहाँ लोगों के घर उजड़ रहे और किसी को अपना घर बसाना है। ये ले जाके टमाटर ले आ जरा। मटर? अरे मम्मी, बट मटर तो ऑफ सीजन हो रखा है, फ्रोजन मटर ले आए। मटर किसने बोला लेके आने, टमाटर? मम्मी हम इतने अमीर कब से हो गए कि हम टमाटर खाने लगे? जमाना हो गया है हमें टमाटर देखे हुए। अरे वो बुआ को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, तो स्पेशल डिमांड आई है उन लोगों की, तो शाही पनीर खानी है। ये ले बबली, 250 ग्राम ही टमाटर लाना और आराम से जाना, आजकल बहुत चोरी हो रही है टमाटरों की, और इसको लेके जो अपने साथ बैठी रहती है यहीं पे घर पे। चल रुको, कहाँ जा रहे हो? मुक्का मार दूंगी। अबे टमाटर लेने जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी तो मॉल में नहीं होती जो टमाटर लेने के लिए। हाँ जी क्या हुआ? ये टमाटर लेने आए हैं सर। ये देखिए चाकू दिखा के टमाटर लूटेगी ये। अरे बहन ये चाकू नहीं, ये नेल कटर है, गलती से मैं घर से अपने पॉकेट में रख के आ गई होंगी। बताओ, पहली बार मैंने देखा है कि टमाटर बेचने वाले लोग भी बिल्कुल सूट और टाई में बैठे हैं। अच्छा भैया जरा पूछने का मन तो नहीं कर रहा, बट कितना भाव दिया भैया? 300। भैया ना आपकी ना मेरी, 260 रुपए लगा लो। 300। 280। 300। ना आपकी ना मेरी, 295 रुपए लगा लो आप। हाँ 300। चलो ठीक है, 299 ले लो। गाड़ी तो 300 भी अटक गई है। ठीक है भैया दो जल्दी, हम भी ऐसे नहीं है भैया, एक एक टमाटर चुन चुन के लेंगे। निकालो, चलो देखना शुरू करो। ये कैसा है क्या? ये इसमें ये गड्ढा नहीं दिख रहा आपको कोई? और ये वाला बढ़िया। अरे कहाँ, ये आधा येलो आधा रेड है, शेड ही खराब है यार। ये देख एकदम बड़ा और लाल, ये सही है। टमाटर अभी ले जाना तो ले जाइए, 300 रुपए किलो है, कल 600 रुपए किलो मिलेगा। आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, हमने आपको कुछ कहा? बस आप चुप रहो प्लीज, ले लिए टमाटर चलो। टमाटर मिल गया, बुआ का पिस्ता पक्का समझ रहा हूँ। टमाटर ये तो है टमाटर। अरे कहाँ है टमाटर, कहाँ छोड़ा ही तू? याद है आपने टमाटर गिराया था तो आपके हाथ में ही तो होगी पन्नी। हाँ तो तू भी याद कर, जब टमाटर मेरे हाथ में थे और तू भैया से बहस कर रही थी तो तूने टमाटर मेरे हाथ से लिए थे। छाता था मेरे हाथ में, तेरे हाथ में टमाटर थे। तू छाता का है? छाता छोड़ टमाटर का सोच। मैं तो मम्मी से बोलने जा रही हूँ, आपने टमाटर खो दिए। अरे रुक मेरी माँ, मम्मी को पता लग गया ना तो दोनों की चटनी बना देंगी। चल ढूंढ के लाते हैं। कहाँ पे छोड़े थे तूने? अरे दीदी अभी तो आए थे। हाँ था भैया, हम लोग अपने टमाटर भूल गए थे अभी। आपको भी याद है? ना 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 आगे बढ़िए प्लीज, आप समझिए ना बात, ग्राहक बहुत है, आप लोग जाइए प्लीज। अरे क्या भैया, अरे भैया प्लीज, हम बिना टमाटर की गए तो मम्मी मार डालेंगी, जो पागल है थोड़ी और पागल हो जाएगी। बाहर जाइए, बेइज्जती कर रहे हो।
अबे ओए बाइक वाले, मेरी बहन को गीला कर दिया तूने। कोई दिक्कत है? नहीं बता, कोई दिक्कत है? अरे मैं कह रही हूँ इतने गड्ढे हैं ना भाई, या तो बाइक को संभाल के चलाया करो, नहीं तो ये तो ऐसे ही लायक है। टमाटर खो दिया इसने। मैम मैं कभी श्योर मैम एक प्रॉब्लम हो गई है, मॉनसून की वजह से आपके और प्रियान बाबा के ड्रेसेस गीले हो गए हैं। व्हाट नाउ बटलर? आपके ड्रेस पर 3 छींटे हैं और प्रियान बाबा के पैंट पर 4 छींटे हैं। ओह नो। तो फिर अब क्या करें? दीदी लेट्स डू वन थिंग, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं इनको ही स्कूल ड्रेस बना लेते हैं। वाओ प्रियान, यू आर सच अ जीनियस। पहली बार तुमने बैलेड और अमीरों वाली बात की है। बटलर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को कह दो जो भी हम कैजुअल पहनेंगे वही हमारी स्कूल ड्रेस होगी। ओके चलो प्रियान, लेट्स गो टू स्कूल। बारिश आ रही है, आज तो स्कूल कैंसिल। स्कूल कैंसिल नहीं होने वाला, तो जब हमारे मिलने को आप निकालो कहाँ रखी आपने? मुझे कौन सी मेरे दीदी ना खाएं? अरे हाँ मैं तो सूखी डाली हूँ। एक आइडिया है अभी, दो आइडिया। फिर एक बहुत खूंखार आइडिया मेरे पास। हाँ, मेरी तो ड्रेस सूख जाएगी, अब आप अपनी का देख लो। एक मिनट, अरे मेरे तो स्कूल है ही नहीं, मैं तो कॉलेज में आ गई हूँ। मैं तो कॉलेज में आ गई हूँ, अगर आपके लेदर के जूते गीले हो जाएं तो उनमें डालें आप कागज। हमारे मॉनसून में अगर लेदर के जूते खराब हो जाते हैं तो हम कुफे नशा देख लेते हैं, बट अगर अमीर लोगों के हो जाते हैं तो वो क्या करते होंगे? दीदी मेरे लेदर के शूज खराब हो गए। अच्छा कुछ नहीं होता प्रियान, मैंने आपको कितनी बार कहा है लेदर के शूज खराब हो जाए, कोई भी शूज खराब हो जाए बटले भैया को दे दिया करो और फिर 10 नए ले लो, क्या जा रहा है? मतलब भैया ये लो, आप ही पहनो। थैंक यू पापा। चलिए अब डिनर करने। अच्छी आखिर दीदी आप बड़ी भक्तिन बन गई हो। भक्तिन नहीं बनी, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं ना बारिश में, उसके लिए हम तो सावन के महीने में ऐसे सर्वाइव करते हैं, अमीर लोग कैसे करते होंगे? वाह ये वाह दीदी, ये तो अनंत आनंद का मॉनसून वाला वीडियो तो बहुत अच्छा है। इतना भी खास नहीं है, इससे अच्छा तो मैं शूट कर सकती हूँ। बटलर हमारे टीवी में मच्छर आ गए, उसे जल्दी से ठीक कराओ। अमीरों के चोचले। क्या कहा मैम? ये मच्छर नहीं है,
ये एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्टर में खराबी आ गई ना, इसीलिए मच्छर दिखाई दे रहे हैं। आई नो वो उसको देख के मैं थोड़ा पैनिक हो गई, मेरे को मत सिखाओ। और हाँ, जल्दी से ये प्रोजेक्टर ठीक कराओ और हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। भुट्टा चलेगा बताओ क्या खाओगी? आइडिया, अगर हम लोगों ने बरसात में पकौड़े नहीं खाए तो क्या खाया? मम्मी पकौड़े बना दो ना। ये लो, मम्मी पकौड़े के साथ चाय नहीं है तो ऐसा हो गया ना कि अनंत्या बिना बबली। चाय भी दे दो ना। ये लो मम्मी, चटपटा खाने का मन कर रहा है, भुट्टा दे दो। हाँ अब मम्मा बिना डिजर्ट में आम के, ऐसी होगी ना बरसात की बिना मेंढक की बरसात, गर्मा गर्म मंगोड़ी हो जाती है इसके साथ तो मतलब। ये लो च्यवनप्राश खाओ, अच्छी चीजें तो खाई नहीं जाती तुमसे। हम ये तो दिखा ना चलेगा, बट आप लोगों को बिना लाइक और सब्सक्राइब करे आप लोग चले जाओगे वीडियो से, ये नहीं चलेगा। तो आपको कैसे लगा कि मॉनसून का रिच वर्सेस नॉर्मल? वैसे तो हर दिन बारिश हो रही थी और जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे थे उस दिन बहुत कम बारिश हुई। तो अगर आप लोगों को तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो में हमने बहुत खड़ी बैठी खेला है, बहुत रुक के खाया, तो आप लोग उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केयर एंड बाय बाय बैठी।